हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल पीईएस क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईस क्वेश्चंस ओके तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन और यहाँ पे इस लेक्चर में मैंने जो भी आंसर्स हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं हर एक के ठीक है तो ज़्यादा हम टाइम आपको यहाँ पर नहीं देंगे जैसे हम पहले कर रहे थे आपको मैं टू तो थ्री सेकेंड्स दे रहा था सोचने के लिए है ना अब यहाँ पे सीधे मैं क्वेश्चंस के साथ ही आपको आंसर बताता जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने आंसर्स मेंशन किए हुए हैं ओके okay? चलो शुरू करते हैं देखो पहला क्वेश्चन uh, आ जाता है हमारा इंग्लिश का द कंपनी आपने फिल इन ब्लैंक का आपने करेक्ट ऑप्शन देखना है और यहाँ पर फिल करना है द कंपनी डैश टू इन्वेस्ट इन ए मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम ओके तो इसका मतलब क्या बना यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा द कंपनी नीड्स कंपनी नीड्स टू इन्वेस्ट इन ए मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम ओके okay. ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड तो है नहीं थर्ड भी नहीं है फोर्थ uh, फिफ्थ ये भी नहीं हाँ सिक्स देखो यहाँ बेसिकली आपने क्या करना है uh, आपने सिमिलर वर्ड uh, देखना है जैसे कि डैम्प लिखा हुआ ना डैम्प का बिल्कुल सिमिलर वर्ड क्या होगा जिससे कि जो ये सेंटेंस की सेंस बन रही है डैम्प के साथ वही इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ ही वैसी ही सेंस बननी चाहिए सेंटेंस की सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए ओके okay. तो यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या है सेंटेंस है द ग्रास इज स्टिल डैम्प ठीक है द ग्रास इज स्टिल डैम्प तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे डैम्प की डैम्प की जगह क्या आएगा डैम्प की जगह आएगा वेट ठीक है द ग्रास इज स्टिल वेट ठीक है ग्रास जो है अभी भी जो है वो क्या है गिली है ओके okay. तो हम बोलेंगे द ग्रास इज स्टिल डैम्प मीन्स द ग्रास इज स्टिल वेट नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक से करेक्ट ऑप्शन आपने देखना है और यहाँ पे आपने उसको फिल करना है ओके okay, तो चलो देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स हैं देखो दे हैव शोन डैश इंटरेस्ट इन बाइड बाइडिंग फॉर डैश कंपनी ओके तो हम यहाँ बोलेंगे क्या आएगा बताओ दे शोन दे शोन एन इंटरेस्ट ठीक है अब आपको होता है ए ई आई ओ यू है ना इनके साथ क्या लगता है आपका एन तो यहाँ पे आप साउंड किस हिसाब से आ रही इंटरेस्ट तो ई मतलब ई आ रहा है ना इंटरेस्ट यहाँ पे साउंड देखी जाती है जो पहला लेटर है वो नहीं देखा जाता साउंड देखी जाती है जब आप बोलोगे इंटरेस्ट इंटरेस्ट में साउंड किसकी आ रही है स्टार्टिंग में इन है ना ई की आ रही है ना तो मतलब कि यहाँ पे क्या है आपका एन आएगा तो यहाँ पे आपने एन लगा दिया ओके दे शोन दे शोन एन इंटरेस्ट इन बीडिंग फॉर द कंपनी ओके फॉर द कंपनी तो ये आ गया हमारा इसका ऑप्शन uh, कौन सा आपका ऑप्शन डी चलो आगे सेवन्थ भी हो गया एर्थ देखते हैं हम यहाँ बोला गया है आपने फिलिंग द ब्लैक से करेक्ट ऑप्शन आपने देखना है पेंगुइन्स आर डैश फ्लाइटलेस बर्ड्स ओके तो पैंग्विंस आर फ्लाइटलेस बर्ड यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा अ आएगा एन आएगा द आएगा या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा ठीक है देखो यहाँ पे हम बोलेंगे पेंग्विंस आर फ्लाइटलेस बर्ड्स ठीक है ये हमारा सेंटेंस ठीक बनता है ना यहाँ पे एन आएगा ना अ आएगा ना द आएगा ठीक है तो यहाँ पे नो आर्टिकल ओके नेक्स्ट देख लेते हैं और है नहीं यहाँ पे एलेवेंथ uh, में भी नहीं है चलो आगे हाँ ये देखो सेवेंटीन यहाँ बेसिकली आपने सिमिलर वर्ड देखना अंडरलाइन वर्ड जो है आपका इम्पिटस ठीक है अब ये जो आपका पूरा एक सेंटेंस है डिबेट सीम्स टू हैव लॉस्ट मच ऑफ इट्स इनिशियल इम्पिटस तो इम्पिटस की जगह आप क्या ऐसा एक वर्ड इस्तेमाल करो जिससे कि इस सेंटेंस की जो सेंस है वो एज इट इज सेम ही रहनी चाहिए जो इम्पिटस के साथ बन रही है ओके तो वो है जी हमारा स्टिमुलस स्टीमू लस ओके चलो आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं ये छोड़ो ये इंग्लिश का नहीं है ये आपका इन्वामेंट इकोलॉजी का है ये आपने देख लिया हुआ है चलो आगे आगे यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है. हाँ ये देखो ट्वेंटी सेवन्थ देखो यहाँ बेसिकली पूछा गया है कि आ, आपने आ, ये छोड़ो ये आपका इंग्लिश का नहीं है ये सॉरी ये आपका कंप्यूटर का है ठीक है ये, ये, हाँ ये है हाँ ये है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन कोडेक स्टिल डैश मोनोक्रोम फिल्म ठीक है तो कोडेक जो है वो स्टिल प्रोड्यूज ओके तो प्रेजेंट इन आएगा कोडेक स्टिल प्रोड्यूज मोनोक्रोम फिल्म ओके चलो आगे अब ये ये देखो फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल क्लॉज डैश इट विल बी मिलियन पाउंड्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट डाउन द ड्रेन ओके यहाँ पे आएगा इफ द फैक्ट्री क्लोजिज अगर फैक्ट्री बंद हो जाती है ठीक है तो आपको पता है कितना ज़्यादा पैसा लगा हुआ वो सब पैसा जो है वो डूब जाएगा है ना तो इफ द फैक्ट्री क्लोजेज इट विल बी मिलियन पाउंड्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट डाउन द ड्रेन ओके तो ये हमारा ऑप्शन आएगा आपका क्या ऑप्शन सी नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां है नहीं चलो आगे यहां भी नहीं है यहां भी हाँ ये देखो देर इज ऑलवेज एन एक्सोडस डैश द कोस्ट डैश हॉलीडे टाइम्स तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टू यहां पे आ जाएगा ड्यूरिंग द हॉलीडे टाइम्स ठीक है तो आप देख सकते हो ऑप्शन आपका यहां पे सी आ जाएगा नेक्स्ट चलो ये मैसेज जल्दी थोड़ा चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस मैंने जो है वो मेंशन किए हुए हैं ठीक है आंसर्स दिए हुए हैं आप खुद से भी यहाँ देख सकते हो ज़्यादा टाइम देने का मतलब बनता नहीं है टाइम वेस्ट वाली बात होगी और कुछ नहीं ठीक है तो फिलिंद द ब्लैंक देख लो अगला शी कैन स्पीक थ्री लैंग्वेजेस ठीक है शी कैन स्पीक थ्री लैंग्वेज ठीक है तो आपका क्या आएगा शी कैन स्पीक थ्री लैंग्वेज़ तो ये आ गया आपका फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन ये भी नहीं है फिफ्टी सिक्स ये भी नहीं है चलो आगे हाँ यहाँ बेसिकली कुछ सेंटेंसेस दिए हैं ए बी सी डी है ना आपने इसको पढ़ना है और पढ़ के एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है जिसकी एक सेंस बने ठीक है तो आप खुद से पढ़ सकते हो मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मैं हल्का सा यहाँ पे इसको थोड़ा रोकता हूँ ठीक है अब पढ़ो पहला पढ़ो वीडियो को पॉज करो अब पढ़ो अब सेकंड सेकंड भी पढ़ लो थर्ड भी पढ़ लो पढ़ लिया चलो अब फोर्थ वाला पढ़ो ठीक है अब देखो इसका ऑप्शन है आपका बी डी सी ऑप्शन डी ठीक है तो आप देख सकते हो इसको आप देखो खुद से आ, अच्छे से देखो और आपको पता चल जाएगा इसका बी डी सी ए करके पूरी एक मीनिंगफुल सेंटेंस ये बनता है आगे चलो हाँ ये देखो फिल इन द ब्लैंक देखो आपने करेक्ट ऑप्शन देखना है और यहाँ पे फिल करना है उसे शी इज़ वेरी गुड डैश मेकिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल ठीक है शी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स ठीक है एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें देखो ना यार अब खुद से देखा करो ना यहाँ पे आप इन लगाओ देखो कैसे सेंस आ रही शी इज़ वेरी गुड इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल हाँ थोड़ा बहुत सेंस बन रही है शी इज़ वेरी गुड ऑन मेकिंग फ्रेंड्स ये नहीं बन रही सो so, छोड़ो शी इज़ वेरी गुड बाई मेकिंग ये भी नहीं बन रही है ना या तो ऐट है या तो इन है ठीक है तो बट आप जनरली हम ऐट का यूज़ करते हैं ठीक है इस टाइप के सेंटेंसिस में नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको वही चीज़ बोला रूल्स के लिए हमारे आ, सुपर नोट सीरीज चलेगी वहाँ पर पढ़ेंगे ओके तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन आता है यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है ऐट ठीक है शी इज़ वेरी गुड ऐट मेकिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग अ पीपल ओके okay. चलो आगे सेवेंटी uh, टू भी नहीं है चलो चलो आगे और इधर भी नहीं है इधर हाँ ये देखो जी पैराग्राफ ये भी सेम ये आपने पूरा पढ़ना है हाउ कैन यू प्रोवाइड डिसिप्लिन टू डैश चाइल्ड सो डैट ही और शी कैन फंक्शन वेल एट होम एंड इन पब्लिक डैश पेरेंट वॉन्ट्स हिज चाइल्ड टू बी हैप्पी रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टेड बाय अदर्स एंड बी एबल टू फाइंड अ प्लेस इन द वर्ल्ड एज वेल बिहेव्ड अडल्ट डैश वॉन्ट टू बी अक्यूज ऑफ raising a spoiled brat. ठीक है तो यहाँ पे आप पढ़ो इसे अच्छे से ठीक है अच्छे से पढ़ो उसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको आंसर देख लो यहाँ पे यू एवरी नो बडी यानी यू एवरी नो बडी तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे फिल करो और आपको अच्छे से इसकी सेंस जो है पता चल जाएगी ठीक है चलो आगे चलो चलो और इंग्लिश के इस बार पेपर इस पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े कम हैं कंप्यूटर के हैं थोड़े बट इंग्लिश के इन्होंने कम रखे हैं हाँ ये देखो नहीं नहीं हाँ ये शी गेव ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ऐसा वर्ड uh, चूज करना है जो बिल्कुल सेम सेंस थे जो इस सेंटेंस में ये दे रहा है ठीक है शी गेव अव अ नाइस सजेशन ठीक है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सेम सेंस बनेगी जो इस सेंटेंस से बनेगी वही नाइस nice का यूज़ करके बनेगी तो इसका ऑप्शन क्या आ जाता है आपका बी नाइस ठीक है नेक्स्ट चलो नेक्स्ट 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 इधर तो है नहीं हाँ ये देखो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक आ गया करेक्ट ऑप्शन आपने देखना था द टीम मेंबर्स हैव डिफरेंट बट डैश स्किल दैट कैन डैश द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओके तो आंसर क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फादर तो बनेगा द टीम मेंबर्स हैव डिफरेंट बट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स डैट कैन फादर द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड फार्दर तो यह आ गया आपका ऑप्शन बी ठीक है चलो फार्दर हो गया ये नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी ये भी नहीं है ये भी नहीं है चलो चलो हाँ इंग्लिश का आ गया ये वाला हाँ ये देखो जी यही वही सेम ये आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया है और ब्लैंक दिया है उस ब्लैंक को आपने फ़िल करना है पढ़ो अच्छे से मैं थोड़ा सा पॉज करो वीडियो को यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ इसे वीडियो को पॉज करो और पूरा ये पढ़ो एक सेकंड में थोड़ा क्लियर कर दूँ यहाँ से हाँ अब वीडियो को पॉज करो पूरा पढ़ो अच्छे से पढ़ लिया अब आओ ऑप्शन के ऊपर ठीक है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा फ्रीज ओवर ठीक है बाकी देखो समझ आ जाएगा आपको ठीक है चलो आगे हाँ ये देखो जी ये सेंटेंस है जी लॉजिकल पैराग्राफ आपने बनाना है वही एक सेंटेंसेस दिए गए हैं कुछ उनको जोड़ के आपने एक लॉजिकल पैराग्राफ बनाना है और इसको पढ़ो फिर से पॉज करो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे रोकता हूँ ठीक है देखो अब इसका आंसर देख लो चलो ये आपका होमवर्क है ये मुझे आप कॉमेंट में बताओगे ठीक है यहाँ पे इसका आंसर दिया भी नहीं है अच्छी बात है आप लोग थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा एफर्ट लगाओ थोड़ा होमवर्क करो ठीक है अच्छी बात है यहाँ पे आंसर इसका नहीं है आप ये खुद से मुझे नीचे कमेंट में बताओगे इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा ठीक है ऑप्शन देख लो बी सी डी ए डी सी ए बी बी ए डी ई ए बी ई डी ठीक है इनमें से बताओ क्या ऑप्शन रहेगा आपका ओके चलो आगे इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन यहां पे आई ऑलवेज डैश द इन फ्लाइट मैगजीन ठीक है आई ऑलवेज रीड द इन फ्लाइट मैगजीन ओके तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका रीड यानी कि ऑप्शन बी वन नाइन टेन छोड़ो ये भी नहीं है चलो आगे हाँ ये आ गया जी वन ट्वेंटी सिक्स मिरर्स इन अ डैश रूम ऑफ एन गिव ए डैश ऑफ स्पेस मिरर्स इन स्पेशियस रूम ऑफ एन गिव गि एल्यूजन ऑफ स्पेस ठीक है तो यह आता है जी आपका कौन सा ये आता है जी आपका गया ये भी नहीं है ये ठीक है ऑप्शन ए सेम सेम है ना बिल्कुल तभी ऐसा लग रहा है चलो ऑप्शन ए है इसका चलो आगे ये सिर्फ मैं आपको आंसर्स इसके फेमिलियर करवा रहा हूँ क्योंकि इसके ऑलरेडी मैंने आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं ठीक है थीके? तो फिर बनता नहीं है फना आपको मैं दो दो तीन सेकंड सेकेंड सोचने के लिए वो सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा कुछ नहीं चलो चलो ये एक वी डैश आवर हाउस सेवरल ईयर्स अगो वी बॉट ठीक है वी बॉट आवर हाउस सेवरल ईयर्स अगो ओके तो इसका आता है जी आपका ऑप्शन ए आई थिंक हो गए सारे हाँ सारे हो गए ये भी हो गया हाँ सारे हो गए ठीक है ये चलो मैथ का ही मेंटल एबिलिटी का वहां देखेंगे तो हो गया जी इंग्लिश का हमारा सारा आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी थम्सअप करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन ऑन करो और इंस्टाग्राम में जाकर हमें फॉलो करो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे थैंक यू